तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे हर काम, तुम्हारे बच्चे इतने वफादार होंगे जितनी वफादारी तुम करके दिखाओगे वो उतने होंगे। जिस सिस्टर का नाम प्रभ है और जे तरसिक्के के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि 3 महीने हो गए थे इनकी बहुत चाहत थी कि जे कॉस्मेटिक मनियारी की शॉप को ओपन करना चाहते थे और इनकी बहुत चाहत, इनका बहुत मन था, पर जे बता रहे कि इनकी फैमिली इनके साथ अभी वो मान नहीं रहे थे क्योंकि जे बता रहे कि ना तो शॉप का इंतज़ाम हो रहा था, इनको मिल नहीं रही थी और ना ही पैसों का इंतज़ाम था। और पर जे सिस्टर विश्वास में बने रहे कि परमेश्वर आप मेरे लिए कर चुके हो, क्योंकि जब जे मीटिंग में आते थे उस समय भी जे विश्वास करते थे, प्रार्थना में बने थे और जैसे ही परमेश्वर इनकी चाहत को पूरा किया और परमेश्वर ने पहले इनको शॉप के लिए परमेश्वर इनका इंतज़ाम किया और जैसे इनको शॉप तो मिल गई थी पर उसकी तैयारी करने वाली थी, बहुत सारी तैयारी रहती थी करने वाली। और जब बता रहे कि इनके पास पैसे कम थे, सिर्फ 20,000 रुपया था। और जब बता रहे कि जैसे इन्होंने विश्वास से अपने हस्बैंड को कहा कि आप शॉप की तैयारी करवाएं और इनके हस्बैंड ने भी बोला कि हमारे पास सिर्फ 20,000 ही है, तो इन्होंने कहा कि परमेश्वर हमारे लिए सब इंतज़ाम कर चुके हैं। और जैसे इन्होंने शॉप का काम शुरू करा दिया तो जब बता रहे कि फिर इनकी फैमिली ने कहा कि हम काम तो शुरू करवा दिया है पर क्या हमारी शॉप की सेल हो जाया करेगी, मतलब हमारी शॉप जो चल जाएगी, तो ऐसे विचार इनकी फैमिली के मन में आ रहे थे। तो उसी समय फिर इस सिस्टर ने उनको बोला कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, हमारी शॉप चलेगी क्योंकि जब परमेश्वर की ओर से। और जैसे जो विश्वास करते रहे और जब बता रहे जैसे उस दिन ही रात के टाइम जो बता रहे कि परमेश्वर इनको विजन दिखाया, दर्शन दिया कि जो हमारे स्पिरिचुअल मदर है, परमेश्वर की दासी हैं, इनको सपने में इनको वो मिले। तो जब बता रहे कि जैसे मिले तो इनको पूर्ण विश्वास हो गया कि शॉप पर ही मिले, तो इनको परमेश्वर ने चिन्ह दिया। तो इन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि सच में आपने कहा था कि हमारी शॉप चल जाएगी, पर जब परमेश्वर ने हमें दिखाया कि परमेश्वर की दासी हमारी शॉप पर आए थे, तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने अगर दिखाया है तो हमारी शॉप चल चुकी है, हम ब्लेस्ड हैं। तो जैसे इन्होंने अपना काम तो शुरू करा दिया और इनके पास जो पैसे कम थे, तो जो बता रहे कि उसका भी परमेश्वर ने इंतज़ाम कर दिया। जो इनके सास ससुर जी हैं तो उन्होंने इनको पैसे दिए क्योंकि बहुत सारा काम था, जैसे शॉप में पेंट होने वाला था, नए काउंटर लेने थे, बॉक्स बनने थे। तो जो बता रहे कि उसका 50,000 रुपया लग गया था पर सिर्फ इनके पास तो 20,000 ही था, पर जैसे ही परमेश्वर ने भी उनके मन को बदला और उन्होंने पैसे दिए और प्लस जो बता रहे कि हमारा 1,00,000 रुपये का जो शॉप में जितना भी सामान लेना था वो आ गया और 1,50,000 रुपये का परमेश्वर ने इंतज़ाम किया और इनके सास ससुर जी ने सब पैसे दिए। और जी उनका भी बहुत सारा धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने उनके मन को बदला और उन्होंने इनको पैसे दिए। और जो बता रहे कि जैसे ही जो सिस्टर 2 अप्रैल की मीटिंग में आए और उस दिन प्रभु भोज था, पाम संडे था, और जो बता रहे कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा ब्लेसिंग हुई, घोषणा हुई कि जिनके पास जिनकी मैरिज नहीं है, जॉब नहीं है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। तो पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। मन फिराओगे तो मैं इस बात की आज घोषणा करता हूं प्रभु भोज में कि तुम्हारी शादियां, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे हर काम, तुम्हारे बच्चे इतने वफादार होंगे जितनी वफादारी तुम करके दिखाओगे वो उतने होंगे। तो उस दिन इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया कि जो परमेश्वर हमारा, हमने जो बिजनेस, जो हम जॉब के लिए आपसे मांगा था और आपने सब इंतज़ाम तो कर दिया है और अभी हम ओपनिंग करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आगे भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इन्होंने विश्वास किया कि जो वचन परमेश्वर आपके दास के द्वारा आज आया है और मैं रिसीव करती हूँ कि निश्चय परमेश्वर आप सब कुछ हमारे लिए कर चुके हैं और आप हम हमारी शॉप जो हम शॉप को ओपन करना चाहते हैं और आप हमें ब्लेस कर चुके हो। और जैसे जो धन्यवाद करते रहे तो जो बता रहे कि अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने अपनी शॉप ओपन कर ली है और बहुत अच्छे से इनकी शॉप चल रही है। अभी हम इनकी शॉप के वीडियो को देखेंगे।
और जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि बहुत सारी जो परमेश्वर इनके जैसे जैसे इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने भी इनके मन को देखा और परमेश्वर ने सारा इंतजाम किया। पूरी शॉप को जो बता रहे कि इन्होंने तैयार किया 20,000 था पर परमेश्वर ने टोटल 1.5 लाख में परमेश्वर ने सारा इंतजाम किया और इन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया कुछ नहीं, परमेश्वर ने नहीं इनका इंतजाम किया पैसों का। और जब बता रहे कि सच में हम इतने योग्य नहीं थे पर जितना अनुग्रह जितना परमेश्वर ने किया है जो बहुत ही खुश हैं। और सब पूरा जितना भी सामान है काउंटर बॉक्स पेंट जितना भी सामान है सब न्यू है। और जब बता रहे कि परमेश्वर ने सब अरेंजमेंट किया है और सबसे बड़ी बात जो बता रहे कि जो परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि अपनी दासी को शॉप पर ऐसे इनको जो विजन मिला तो जो बता रहे कि सच में परमेश्वर ने और भी इनको विश्वास इनका बना और जो बहुत ही धन्यवाद करते कि आज ये बहुत ही खुश है कि परमेश्वर ने हम जो इनकी चाहत है 3 महीने से कि अपनी शॉप को ओपन करना चाहते आज परमेश्वर ने पूरी कर दी। और 2 हफ्ते हो गए कि बहुत ही अच्छे से इनकी शॉप चल रही है और ये सिस्टर बहुत ही खुश है। हम सब इस ब्लेसिंग के लिए चोर से अपने हाथों को उठाते हुए क्लीसिया तारीफ करेंगे। नकर परवा किसे गलती ओ रख दा खबर हर पल दी, नकर परवा किसे गलती ओ रख दा खबर हर पल दी।